व्यूअर्स, कारवां रेडियो, कारवां टेलीविजन के तमाम सामईन नाजरीन को शिजा खानम, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त का सलाम पहुंचे। आज मैं खुश खुश हूं। आप सब जानते हैं किस तरह से रिजल्ट्स आए हैं इलेक्शंस के, अमेरिका में क्या कुछ हो रहा है, एकदम से पांसा पलटा है, कुर्सी उल्टी है, बहुत कुछ हुआ है इस हफ्ते में। तो हम उसी के बारे में आज यहाँ बात करेंगे, अमेरिका से शुरू होंगे और पाकिस्तान चले जाएंगे। तो हमारे साथ हमारे जाने माने सीनियर सहाफी एनालिस्ट तारिक नसीम साहब मौजूद हैं, जो मिर्च मसाले के साथ इस इलेक्शन के बारे में हमें पूरी ताज़ा ताज़ा खबरें देंगे। सर जी, क्या कहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम शीदा जी, आपको मुबारक हो कि आपके अमेरिका में एक बड़ा इनकलाब आया है एक तरह से, क्योंकि यही समझा जा रहा था कि ये वाइट सुप्रीमेसी के अलमबरदार ट्रंप साहब जो है वो एक बार फिर जीत जाएंगे, और ख्याल भी यही था कि फ्रांस में जो कुछ हुआ उसके बाद जो रेडनेक्स हैं वो जॉक दर जॉक निकलेंगे और इनको वोट डालेंगे, और एक्चुअली हुआ भी यही कि जो आखिरी दिन लंबी कतारें लगकर जो जो वोट दिए जा रहे थे वो उसमें ज्यादा तादाद स्याह फॉर्म की और मुस्लिम्स की और ये नहीं थे, बल्कि हुआ ये है कि ये काम उल्टा चल गया कि जो लोग इनकी पॉलिसियों के खिलाफ थे, जैसे मैं ये कहूंगा कि ब्लैक लाइव्स मैटर वाले लोग जो थे, जो इनकी बिल्कुल नस्ल परस्ती वाली पॉलिसी के अगेंस्ट थे, उन्होंने भाई मेल और जो एडवांस पोलिंग थी उसमें जाकर तारीख में सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई है इसमें वोटिंग डे से पहले वो वोट वहां पर कास्ट किए गए। और फिर यह है कि मिशिगन में तकरीबन जो है वो बहुत ज्यादा मुस्लिम वोट जो है वो इनकी जानिब गया, बाइडेन की तरफ गया। तो ये पांसा पलटते हुए देर नहीं लगती, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो खामोश अक्सरियत रखते हैं, तो उन्होंने सीधे अल्फाज में कहना चाहिए कि वो ज्यादा फुर्ती उन्होंने दिखाई और ट्रंप साहब का पांसा पलट दिया, तख्ता उलट गया इनका। वैसे इंडियंस ने तो बहुत ट्रंप को सपोर्ट किया था, इंडियंस ने ट्रंप को सपोर्ट किया, लेकिन ये जो उनकी पॉलिसी थी कि आई लव हिंदूज, आई लव इंडिया, और उसके बाद हाउडी मोदी का वो जो ड्रामा चल रहा था, फिर उसके बाद ये जब इंडिया गए और इंडिया जाकर भी इनके जो वो उन्होंने उनका जो स्वागत हुआ वहां पर मोदी साहब के, और बहुत ज्यादा वहां उन्होंने क्राउड इकट्ठा किया, लेकिन वो बात इसलिए नहीं बन सकी कि इंडियन वोटर्स जो हैं वो उनके पास पैसा तो बहुत था और लेकिन वोट सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ मुस्लिम वोट इनकी तरफ जा रहा था बाइडेन की तरफ, बल्कि ब्लैक वोट जो है वो भी सबका सब बाइडेन को चला गया। और आखिरी वक्त पर जब ओबामा साहब शरीक हुए तो उनकी जो फोर्स थी, यानी वो एक तरह से टर्बो फोर्स साबित हुई बाइडेन के लिए, और उन्होंने भी पांसा पलटने में बहुत अहम किरदार अदा किया। आपको सर ऐसा नहीं लगता कि आपको ऐसा नहीं लगता कि ट्रम्प की सेकंड टर्म मिस हो जाना, लूज हो जाना, या उनका लूजर हो जाना उनकी अपनी नाअहलियों की वजह से है? नाअहली तो आप कह सकती हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जो उनका लूज कर जाना है वो उनके मैं कहना चाहूंगा कि जरा मैं थोड़ा नरम अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ कि उनके जो अल्फाज का इस्तेमाल था, चुनाव था, वो हमेशा गलत रहा। ये बड़े गलत अंदाज में अपने जज्बात का इजहार करते थे कि जिसकी वजह से लोग हर्ट होते थे। अगर देखें आप, ये देखें कि पुलिस की ब्रुटैलिटी थी जो उन्होंने वो गर्दन पर घुटना टेक कर मारा, और उसके बाद मैं मानता हूं कि उसके बाद जो है वो ब्लैक कम्युनिटी ने भी बड़ा गलत रास्ता इख्तियार किया कि वो शहरों में जाकर उन्होंने लूट मार की और वो घेराव जलाओ करना शुरू कर दिया, लेकिन ये हर्ट हुए हुए लोग थे। तो ऐसे में लीडर का काम ये होता है कि वो जख्मों पर मरहम रखे, ना कि वो इंतशार फैलाएं, इंतशार फैलाएं और भड़काऊ किस्म के जो। तो बहरहाल उनका वोट जो है वो तो डेफिनेटली बाइडेन के हक में गया, और बाइडेन अभी
तोड़ने के नहीं जोड़ने के मूड में है वो। इन्होंने जी इनके बहुत से लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि क्या जो बाइडन पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित होंगे। बात ये नहीं है कि वो पाकिस्तान के लिए कैसे होंगे, बात ये है कि उनके बहुत ज्यादा बयानात मुस्लिम्स के हक में आते रहे हैं। कि जिस जो इन्होंने एक बच्चे से बात करते हुए भी कहा कि चाहे इस्लाम हो कोई दूसरा मजहब हो, मैं सबके लिए बराबरी के साथ चलूंगा और तुम लोग यहाँ अमेरिका में अपने आप को महफूज तसव्वुर करोगे। और इमिग्रेशंस के लिए आप लोग, आपको क्या लगता है इमिग्रेंट्स के लिए तो ये हमेशा इमिग्रेंट्स डेमोक्रेट बहुत फेवर में रही है। बहुत से जो इमिग्रेशन के लिए तो ये है, लेकिन आपको पता है कि जो स्पेनिश इलीगल इमिग्रेंट से उनकी माओ से उनके बच्चे छीन लिए गए, उनको मैक्सिकन एक अकूबत खाने में रखा गया, और फिर उसके बाद ये हुआ कि उनमें से 545 बच्चों के उसके एक कमीशन कायम किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और उसमें ये कहा गया कि इनका पता चलाएं कि इनके बच्चों के वालदेन कहाँ हैं। 545 बच्चों के वालदेन का पता ही नहीं कि वो डिपोर्ट हो गए, कहाँ मरकब गए या क्या हुआ। अब वो 545 बच्चे जो हैं वो उस कमीशन ने डिफाइन किए हैं कि इनके माँ बाप का कुछ पता नहीं। और ये जो है ये भी एक फैक्टर था कि आप अंदाजा करें कि जो इमिग्रेंट लोग थे वो इस बातों को नोट कर रहे थे कि ये क्या हो रहा है थोड़ा इसके। सा इन्होंने हेट की तरफ ज्यादा कर दिया था, रेसिज्म हेट इस तरफ ज्यादा इनका ये लोगों भी का ख्याल था रुझान। कि जो इस किस्म का जो करेंगे ये तासुब, तो इससे इनको रेडनेक वोट जो है वो ज्यादा मिल जाएगा। वो मिला भी, लेकिन उन्होंने ये बात फरामोश कर दी कि इसमें बड़ी भारी अक्सरियत जो है वो ब्लैक कम्युनिटी की है, स्पेनिश है, और यहाँ पर इमिग्रेंट ज्यादा है इमिग्रेंट ज्यादा है, मुस्लिम है, और सब आप उनको नजरअंदाज करके सिर्फ एक कम्युनिटी पर तकिया किए रखेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। हो सकता है उनके अपने भी वोट्स काफी वोटर्स और वोट्स लूज हुए होंगे बिकॉज ऑफ के जिस तरह का उनकी नेचर थी और जिस तरह से वो बात करते थे, बहुत सी स्टूपिड चीजें एज अ लीडर जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, जो एक्सपेक्ट नहीं की जाती थी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का प्रेसिडेंट करे, मगर वो इस तरह के कुछ एक्ट्स करते थे जिसकी वजह से लोग काफी एम्बेरस भी होते थे, पूरी और दुनिया ये में देखते एक तमाशा सा बन गया था, एक मजाक सा उड़ा हुआ था। उनके टैक्स के मामलात थे, $750 टैक्स दे जी रहा है और एक बंदा बिलियनर है और ये कहता है कि मैं क्यों दिखाऊं। जैसे नवाज शरीफ साहब जी कहा करते थे बिल्कुल कि मेरे असाजात अगर मेरी आमदनी से ज्यादा है तो तुम्हें क्या, हाँ ये उनका बयान था। अब इसी तरह जी से ये है कि अगर मैं बिलियन ऑफ डॉलर कमाता हूँ और $750 दे टैक्स देता हूँ तो तुम्हें क्या। अब जी ये टैक्स को छुपाते रहे, और अब अल्लाह करे कि वो दिन भी आएगा ये भी जो अब दे हो किसी कानून के कटहरे में खड़े हों और ये बताएं कि इन्होंने कितना टैक्स दिया, कितना छुपाया और क्यों ऐसा किया, अभी तो इनका बिल्कुल नवाज शरीफ जैसा हाल है, ये भी यही कहते हैं क्यों मुझे नहीं निकाला जाना इनकी है जो क्यों ट्रोलिंग, निकाला। हाँ इनकी जो ट्रोलिंग हो रही है आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, वो बिल्कुल इनको नवाज शरीफ के साथ मिलाया जा रहा है, और जो भी इनके हालात हैं वो बिल्कुल इस तरह से हो रहे हैं। इंडियंस ने वो एक इनका वो बनाया हुआ है कि ये एक जगह पर वो एक प्ले कार्ड लेकर बैठे हुए हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि आई वाना मूव टू इंडिया, और कुछ लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये नेपाल जा रहे हैं, नेपाल के जंगलों में जाके तो वहां सो जाएंगे और वैसे ये अच्छा कर। हुआ, ऐसे इंडियंस की भी खूब ठीक ठाक कच्ची हो गई है, बहुत उछल रहे थे। नहीं बहरहाल वो ठीक है, वो भी अमेरिकन शहरी हैं और हमारे लिए तो इंडिया हो या पाकिस्तानी हो, हमारे नाजरीन असामीन जो है वो उसमें इंडियन पाकिस्तानी सब शामिल है। हाँ लेकिन उनको सही और गलत का तो की तो पहचान होनी चाहिए थी ना, जिस इनकी तरह से पहचान होनी चाहिए थी कि बंदा जो है सिर्फ वो अपना फायदा नहीं देखना चाहिए, देखना ये चाहिए कि ये अमेरिका के कहाँ। लिए कौन बेहतर रहेगा। जी वो सिर्फ ये नहीं है कि आप बहसियत एक पाकिस्तानी वोटर के, पाकिस्तानी अमेरिकन के ये सोचें कि ये बंदा पाकिस्तान के लिए अच्छा रहेगा, या वो इंडियन सोचे कि ये इंडिया के लिए अच्छा रहेगा। ये सोचना चाहिए कि ये आप अमेरिकन सिटीजन है, आप ये सोचिए कि अमेरिका के लिए कौन बेहतर है। और जी वो ये कहते थे जनरल मुशर्रफ की तरह से, जैसे वो कहते थे पाकिस्तान फर्स्ट, सबसे पहले पाकिस्तान, ये भी कहते थे सबसे पहले अमेरिका, अमेरिका फर्स्ट। लेकिन जो उस उनकी पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन थी वो बड़े गलत अंदाज में की जा रही थी, जिसकी तरजीहात जो थी और इनकी तरजीहात गलत थी, जिसकी वजह से इनके अपने सिटीजन जो थे वो हर्ट हो रहे थे। तो ये बात जो है वो इनको ले डूबी। पाकिस्तान का तक पाकिस्तान पाकिस्तान का में क्या? ये हुआ कि जो आपको याद होगा कि कैप्टन सफदर अवान को होटल से गिरफ्तार किया गया था, और उसके बारे में ये एक
इल्जाम आयद किया गया कि उनको रेंजर्स ने आईजी को, आईजी सिंह को अगवा किया और उनको ले जाकर वहां के सेक्टर कमांडर के घर पर रखा यरगमाल बनाकर, और उसके बाद एडिशनल आईजी की मौजूदगी में उनसे एक पेपर पर दस्तखत करवाए गए कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए उनके ऑर्डर से, और उनसे ये कहा गया कि वो, ये मैं आपको ये बयान दे रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया है, तो उनका ये कहना था कि उनसे ये कहा गया कि आप यहीं बैठे रहें और रेंजर जाके उनको अरेस्ट कर लेगी, लेकिन वो आईजी सिंध से जो ऑर्डर से उसको दिखाकर पुलिस ने जाकर उनको अरेस्ट किया, जिसकी वीडियोस जो है वो भी मंजरेआम पर आ चुकी हैं। तो बहरहाल इस बारे में बिलावल ने आर्मी चीफ से राबता किया और उनसे दरख्वास्त की कि आप रेंजर्स के इस कार्रवाई के बारे में तहकीकात करें, जिसका उन्होंने फौरी तौर पर ऑर्डर भी दे दिया कि अगर रेंजर्स इन्वॉल्व हुई है तो ये इसको नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जिस वक्त रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट हुई है तो वो फौज के अंडर, लेकिन जिस वक्त उसे डिप्लॉय किया गया सिंध में तो वो सूबाई हुकूमत के अहकाम के मुताबिक काम करने की मजाज थी। तो उसके फौरी बाद ये हुआ कि ये मामला जो है वो एक तरह से झूठा इस तरह से करार पाया ये ड्रामा कि मरियम नवाज ने भी और जुबैर उमर जो जनरल उमर के बेटे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जमान भी हैं, वो बैक ऑफ कर गए। उन्होंने कहा कि नहीं, इस इंक्वायरी की जरूरत नहीं। तो उसके बाद ये हुआ है कि फिर वो इन्होंने एक शहरी तंजीम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी, दफा 184 के अंडर, के इसके बारे में एक तहकीकाती कमीशन बनाया जाए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने एतराजात लगाकर वो सारी दरख्वास्त जो है उसको मुस्तरद कर दिया है कि ये आपके दलाइल में वजन नहीं है और इसके बारे में कमीशन नहीं बनाया जा सकता। तो बहरहाल मालूम यही होता है कि जैसे कोई इन लोगों ने कोई ड्रामा किया था, या रेंजर्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश की थी, या आर्मी को बदनाम करने के लिए उनके ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश की थी जो कामयाब नहीं हो सकी। उसके बाद ये हुआ है कि जब नवाज शरीफ, वो कहते हैं ना कि खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया, तो नवाज शरीफ साहब की जो गुजरांवाला में तकरीर थी जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा साहब और DGISI जनरल फैज के बारे में उनके नाम लेकर उनको रगेदा और उसके बाद उनके ऊपर इल्जाम आयद किए कि ये आप जवाबदेह होंगे, उसके बाद इन्होंने कराची में तो तकरीर इनकी नहीं होने दी गई, लेकिन क्वेटा में फिर ये वादे से इनहराफ करते हुए जब ये आए तो इनकी तकरीर का बयानिया भी वही था, बल्कि वहां पर ज्यादा शदीद इन्होंने इस तरह से तनकीद की कि वहां पर ज्यादा इख्तलाफात खुलकर नुमाया हो गए, और वहां जनरल बलोच जो कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड थे वो मुस्लिम लीग को छोड़कर चले गए, और बलोचिस्तान के सबक सूबा वजीर आला सनाउल्लाह ज़हरी, उन्होंने भी मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह दिया, वो मुस्लिम लीग नून के बलोचिस्तान में सदर थे। और इस तरह से ये सामने बात आई है कि जो उनकी सूबाई तंजीम है वो टूट फूट का शिकार हुई है, बल्कि टूट गई, क्योंकि ये बड़े दो बड़े उनके पिलर थे वहां पर, बाकी तो इस तंजीम का जो है वो पेपर्स में ही वजूद था, अदरवाइज जो है इनके पीछे फोर्स कोई नहीं थी। और फिर वहां पर पाकिस्तान मुखालिफ तकारीर भी हुई, उर्दू के बारे में भी वहां बहुत खिलाफ बातें की गई। आप मुझे याद पड़ता कि आपने उर्दू के बारे में पिछले दिनों कोई शेर भी पोस्ट किया हुआ था कि जी जो लोग उर्दू, अब भी कुछ लोग हैं जो उर्दू बोल बोल सकते हैं, सकते हैं तो उर्दू जी हमारी कौमी जुबान है, इंतहाई इसमें मिठास है। मैं एक पंजाबी घर में पैदा हुआ, लेकिन मेरी उर्दू से मोहब्बत बहुत शदीद है, और मैं समझता हूँ कि उर्दू एक राब्ते की जुबान है। आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में चले जाएं, आप उर्दू में बात करें, अगर मैं जाकर खैबर पख्तूनख्वा में पंजाबी में बात करूं तो लोग मेरी बात शायद ना समझें, लेकिन उर्दू को वो फौरन समझ जाते हैं। अब इसी तरह से कोई बलोची भाई या पठान भाई पंजाब में आकर वो अगर पश्तो में बात करना चाहेगा तो हम शायद नहीं समझते, लेकिन उर्दू में हम एक दूसरे की बात समझ सकते समझ हैं। सकते तो हैं। इस तरह से ये वो जुबान है, उर्दू इतने तो इतने। वैसे भी लश्करी जबान है जो कि बहुत सारी जबानों का मिलाप थी, आपको पता है। हाँ, लेकिन ये कायदे आजम की पसंद भी थी, उन्होंने भी हाँ, इस लेकिन तरह ये है तो ये इसलिए लश्करी किया। जबान, ये डिफरेंट जबानों की का मिलाप है, अरबी, सिंधी, फारसी। तो लश्करी जबान इसे इसलिए कहा गया कि पहले जमाने में लश्कर में मुख्तलिफ कौमियतों के लोग शामिल हुआ करते थे, और फिर गालिब ने और उस दौर में इसे रेख्ता कहा गया कि जैसे
ईंट, सीमेंट और वो गारा, रेत, सीमेंट, ये सब मिलाकर जो एक मसाला सा तैयार किया जाता है किसी चीज की कंस्ट्रक्शन के लिए, उसको रेख्ता कहते हैं। तो फिर ये पाकिस्तान की बुनियादों में ये रेख्ता शामिल थी। ये पाकिस्तान की बुनियादें उठाने में इसका बड़ा किरदार था। फिर ये है कि जब वहां से लोग जो इंडिया से महाजिर होकर आए तकसीम के बाद, उनकी जुबान उर्दू थी और वो बहुत मीठी जुबान रखते हैं, लेकिन ये है कि बस उनके बस वो पास असल में तासुब बहुत है ना, और तासुब की वजह से हर चीज बुरी लगती है, लोग भी बुरे लगते हैं, कराची भी बुरा लगता है, कराची के लोग भी बुरे लगते हैं, और फिर उर्दू के जबान भी लोग बुरी बुरे क्या लगती है। लगेंगे जो महाजरों के साथ जो कोटा सिस्टम के तहत जो उनके साथ नाइंसाफी की गई कि जी वो 18वीं तरमीम ने बड़ा गला घूंटा कराची का। जी अब ये देखिए कि कहाँ पहाँ, मैं आज एक वो ये देख रहा था, किसी ने पोस्ट किया हुआ था कि आप इनकी ट्रांसपोर्ट देखें, पंजाब की देखें, मुल्तान जी की हाँ देखें, इस्लामाबाद की देखें, लाहौर की और खैबर पख्तून, हर जगह पर वो चल रही है रैपिड जहां से ट्रांसपोर्ट। खाते हैं, जहां जहां से बनाते हैं पैसा, वहीं डॉलर नहीं का, लगाते हैं। अरबों रुपए का टैक्स कराची अकेला देता है और उसको मिलता कुछ नहीं है कुछ नहीं है सिर्फ अभी दो। इसीलिए ना कि लेकिन बस वो जैसे लावारिस शहर है, उसकी उसका रीजन भी यही है कि वहां उसको लावारिस बनाने में खुद कराची के उन लोगों का भी बड़ा हाथ है जिन्होंने इसमें बड़ी लूटमार की है। ये इसमें जो है वो कभी उधर बलोच आ गए, कभी कोयलारी गैंग आ गया, कोई वो उसके बाद जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब ने कितना बत्ताखोरी और वो सब इस तरह से जो है वो चाइना कटिंग हो रही है और तीन तीन वर्ले के जो है वो छह छह मंजिला इमारत खड़ी की जा रही है, वो जमीन बोस हो रही है और उसमें बेचारा गरीब बंदा मर रहा है। बोल कोई सकता नहीं था, इनके जो कोटा सिस्टम के तहत अंदरून सिंध से लाए हुए लोग थे वो कराची की अथॉरिटीज के ऊपर बैठे हुए थे, वो भी रिश्वत खाते थे और उनके नीचे जो एमकेएम के लोग लगे हुए थे वो भी रिश्वत खा के भत्ता लेकर वो सारे काम हो रहे थे। अब अगर ये सुप्रीम कोर्ट का डंडा इनके सर पर रहा तो इंशाल्लाह ताला कराची का भी निजाम ठीक हो जाएगा। उम्मीद की जाती है कि इमरान खान होप फॉर है द कि बेस्ट, होप फॉर द ये कराची बेस्ट। जो है वो इस तरह से संभल जाए कि दोबारा कराची रोशनियों का शहर था, इसकी वही रोशनियां वापस आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ठीक है सर, इजाजत चाहते हैं, शॉर्ट शॉर्ट हमारा टाइम हो रहा है खत्म। आप कुछ और कहना चाहेंगे मुख्तसरन? मैं बस मुबारकबाद दे इतना दे। मुबारकबाद तो दे दी। इंडिया में किसानों का एहतजाज जारी है अभी तक। पंजाब में उन्होंने ट्रेनें भी, वो जिसको पहिया जाम कहते हैं, चक्का जी बंद कहते हैं पंजाबी में उसे, वो ट्रेनें बंद की हुई थी और उसके जवाब में पाकी हुकूमत ने माल बरदार गाड़ियां भी बंद कर दी जिससे उनके खाद और रसद जो है वो बंद हो गई। तो उससे तंग आकर उन्होंने ट्रेनों की आमदोरफ्त जो है वो उसको बहाल किया। लेकिन किसानों का एहतजाज वहां पर जो मालवा बेल्ट है उसमें बहुत शिद्दो मत के साथ जारी है और उम्मीद करते हैं कि किसानों के वहां पर मसाइल हल किए जाएंगे और उनको भूखे मरने से बचाया जाएगा। जहांगीर तरीन साहब वापस आ गए हैं, ये भी एक बड़ी खबर है। और चौधरी शुजात हुसैन हमारे पुराने दोस्त हैं, जाग ये गए। रहे हैं, ये इस वक्त हॉस्पिटल में हैं और अरे उनकी नासाज हैं वो। हम अल्लाह ताला अल्लाह से अल्लाह उनको ताला उनको सेहतियाब करे। क्या वो कोविड, क्या वो कोविड में इन्फेक्ट है? नहीं, उनकी वैसे वैसे भी आपको पता है कि उनको पहले भी अटैक हुआ था जिसकी अच्छा वजह से उनको, आपने देखा होगा कि उनको बोलने में तकलीफ थी, जिसका ये ट्रोलिंग भी करते रहे हैं ड्रामों और इसमें मुख्तलिफ पाकिस्तान में अभी कोविड की क्या हालात है? सुना जा रहा है बहुत सारे में केसेस फिर हैं। फैलना शुरू हो गया है और इन्होंने ये कहा है कि जो मास्क के बगैर निकलेगा उसको जुर्माना भी किया जाएगा। और फिर वही सिलसिला है कि अभी खुद हकूमती पार्टी इमरान खान साहब को भी चाहिए कि वो जरा कंट्रोल कर लें, वो भी जलसे कर रहे हैं और हर पार्टी जलसे जुलूस करने में निकली हुई है। और इस तरह से तो वो कोरोना जो है वो वही कंट्रोल फैल होता रहा है है तो और फिर फैल, मजीद फैल रहा है। जी तो अल्लाह रहम करे अल्लाह पाकिस्तान की रहम अंदर करे पर। पाकिस्तान पे भी और अल्लाह रहम करे अमेरिका पे भी। इस वक्त भी अमेरिका की सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल है क्योंकि वोटर्स थोड़े जज्बाती भी हुए हुए हैं, और क्योंकि रिजल्ट्स आ चुके हैं तो दोनों पार्टीज में जाहिर है जो जोशीले और जज्बाती लोग होते हैं, थोड़ा सा आप लोग एहतियात करें निकलते हुए बाहर के कोई ऐसा रिएक्शन ना हो कहीं पर, कोई ऐसी चीज़ ना हो। ख्याल कीजिए अपना और अपनों का भी ख्याल कीजिए। हमारा आज का ये हमारी आज की ये अपडेट, आज का खबरनामा ख़त्म होता है। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक, फिर आएंगे तारिक नसीम साहब और मैं आपके पास नई अपडेट्स लेकर आऊँगी इंशाल्लाह ताला। हमें फॉलो करते रहिए कारवां फ्लोरिडा पेज पे हमारे, और टीवी कारवा, टीवी टीवी कारवां का पे।
और टीवी कारवां की हमारा यूट्यूब चैनल को आप विजिट कीजिए और जी सब्सक्राइब की जी भी कीजिए और उसको देखते रहिए और सुनते रहिए कारवां। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। दाबाद।